नमस्कार, मैं डॉक्टर पुरु धवन। इस वीडियो में आप सभी को समझाऊंगा कि आखिर पैरालिसिस में ऐसा क्या होता है कि शरीर की चलने की, बोलने की क्षमता चली जाती है। तो पैरालिसिस होने के दो मुख्य कारण देखे जाते हैं। पहला है इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर होता यह है कि जो आपके दिमाग तक खून पहुंचाने वाली धमनियां होती है, अगर वो किसी कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, शुगर के कारण ब्लॉक हो जाए, उसमें किसी टाइप का खून का थक्का आ जाए, तो देखते हैं कि दिमाग के कुछ हिस्से में खून नहीं पहुँच पाता। जब खून नहीं पहुँच पाता तो दिमाग का वो हिस्सा मर जाता है, काम नहीं कर पाता। तो ये है इस्केमिक स्ट्रोक। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि जब आपकी जो खून की धमनी है, जो दिमाग के अंदर खून लेके जाती है, उसको पूरा दिमाग में फैलाती है, वो कभी हाई ब्लड प्रेशर के कारण फट जाए तो दिमाग के अंदरूनी हिस्सों में खून का रिसाव हो जाता है। अगर ब्लीडिंग इंटरनल होती है तो क्या होगा कि ब्रेन के टिश्यू मर जाते हैं। तो इस सूजन के कारण दिमाग के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जो पूरे शरीर को संभालती हैं, चलाती हैं, वो काम नहीं कर पाती। तो मरीज को क्या देखने को मिलता है कि उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा। समय के अनुसार स्ट्रोक हुआ, आपके दिमाग में सूजन आई, आपका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, जैसे जैसे ये सूजन कम होती चली जाएगी, व्यक्ति के अंदर चलने फिरने की क्षमता कुछ हद तक वापस आ जाती है। कुछ केसेस के अंदर ही क्षमता वापस नहीं आ पाती, मगर देखा यह जाता है कि सभी केसेस में ऐसा नहीं हो पाता। पेशेंट में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ये कमी को पूरा करने के लिए आयुर्वेद का रोल, साइंस इंजीनियरिंग का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा होगा, अगर आप उसे ध्यान से देखें, उसका प्रिस्क्रिप्शन उठाइए, उसे ध्यान से देखिए, उसमें खून पतला करने की दवाई, अगर आपको बीपी की दिक्कत है तो बीपी की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई, ये दवाइयाँ चली होगी। मगर जो आपकी दिक्कत हुई थी दिमाग के अंदर, जहाँ खून का थक्का आया था, जहाँ ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसकी वजह से आपके सेल्स डैमेज हुए थे, उसको ठीक करने की दवाई आपकी प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपका डॉक्टर आपको ठीक करना नहीं चाहता, उसकी भी एक व्यवस्था है। एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर पैरालिसिस के स्ट्रोक के बाद जो नुकसान होता है उसकी रिकवरी की मेडिसिन नहीं है। इसी वजह से आयुर्वेद का रोल बढ़ जाता है, साइंस इंजीनियरिंग का रोल बढ़ जाता है। अगर आपने हमारे पेशेंट्स देखे हैं तो आप समझ जाएंगे कि साइंस संजीवनी की मेडिसिन बहुत फास्ट एक्टिंग तरीके से काम करती है और पेशेंट में रिकवरी बहुत तेज़ी से आती है। ये एक प्रमाण है कि पैरालिसिस के पेशेंट ठीक हो सकते हैं। पेशेंट जितना मर्जी पुराना क्यों ना हो, उसमें रिकवरी देखी जाती है। तो अगर आपके किसी पेशेंट को, आपको या आपके किसी पेशेंट को पैरालिसिस है, तो घबराने की अब ज़रूरत नहीं है, उसका ट्रीटमेंट अब अवेलेबल है। तो आप सभी को मेरी यह एडवाइस है कि नीचे दी हुई लिंक पर जाकर आप हमारे सभी पेशेंट, जिनके घर हम जा जा के वीडियोस बनाते हैं, जिनके हम इंटरव्यूज लेकर आते हैं, आप उनकी इंटरव्यूज सुनिए, उनमें फ़र्क देखिए और हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।